दुनिया के महान बल्लेबाजों में से एक और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की किस्मत खुल गई है। अर्जुन तेंदुलकर को आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में 30 लाख रुपए में मुंबई इंडियंस ने खरीद लिया। ये लगातार दूसरा मौका है जब ऑक्शन में अर्जुन के ऊपर मुंबई ने बोली लगाई, लेकिन ऑक्शन में बिकने के बाद अर्जुन को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। अर्जुन तेंदुलकर की खुल गई किस्मत। अपने पिता सचिन तेंदुलकर से बिल्कुल अलग अर्जुन तेंदुलकर तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं। पिछले साल भी फरवरी 2021 में हुई आईपीएल की नीलामी में मुंबई इंडियंस ने अर्जुन तेंदुलकर को 20 लाख रुपए में खरीदा था। एक सीजन के बाद उन्हें मुंबई इंडियंस ने रिलीज कर दिया। आईपीएल 2022 की नीलामी में अर्जुन तेंदुलकर को एक बार फिर से मुंबई इंडियंस ने खरीदा। हालांकि अर्जुन के ऊपर एक बोली इस साल गुजरात टाइटंस ने भी लगाई, लेकिन अंत में मुंबई ने उन्हें खरीद लिया। अब ट्रोल हो रहे हैं अर्जुन। मुंबई के लिए बिकने के बाद अर्जुन के पीछे एक बार फिर से ट्रोलर्स जमकर पड़ गए हैं। अर्जुन का मजाक लोग सोशल मीडिया पर उड़ा रहे हैं। दरअसल मुंबई इंडियंस ने इंस्टाग्राम पर अर्जुन का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो टीम को धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि लोगों ने अर्जुन को ट्रोल करते हुए कई कमेंट्स कर दिए। एक यूजर ने कहा कि इसके लिए तुम अपने पापा को थैंक यू कहो। वहीं एक दूसरा यूजर बोला कि ये वीडियो सेव करके रख लो, अगली बार भी ये पोस्ट करना। इसके अलावा एक और यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, जब तुझे प्लेइंग 11 में खिलाएंगे तभी तो बेस्ट देगा ना। पिता की वजह से सुर्खियों में रहे अर्जुन। अर्जुन तेंदुलकर लगातार अपने पिता की वजह से सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन अपने खेल की वजह से वो नाम या मुकाम हासिल नहीं कर सके हैं जो उनके पिता ने अपने करियर के शुरुआती दौर में हासिल कर लिया था। हालांकि उनके ऊपर शुरुआत से ही हर किसी की नजर रही है और हर कोई चाहता है कि वो अपने पिता की ही तरह क्रिकेट के मैदान पर अपना एक अलग मुकाम हासिल कर सकें। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।